अरे रोल करो यार, क्या कर रहे हो आप? अरे क्या कर रहे हो यार? जन्नत ओके, तो मैं बहुत एक्साइटेड पहले से ही थी और आज और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और थोड़ी नर्वस भी हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला म्यूज़िक वीडियो है और ये आज लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी और मैं खुद इसे कई बार देख चुकी हूँ कि देखो कैसा लग रहा है। एक बार ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ, अच्छा अब एक बार सिर्फ सुनती हूँ, अब एक बार सिर्फ देखती हूँ। तो हाँ, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी हूँ एंड आई होप सबको गाना अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे। ट्रेलर को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है इस वीडियो, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? अरे वेरी ग्रेटफुल और आई थिंक क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट है, इतनी अच्छी तरह से डायरेक्ट किया गया है और इतना ब्यूटीफुल गाना है, उसकी म्यूज़िक इतनी अच्छी है और हाँ हमने भी थोड़ी मेहनत की है तो पसंद आया और बहुत खुश हूँ, बहुत खुशी हुई थी। पोस्टर को लोगों ने बहुत पसंद किया, ट्रेलर को भी बहुत पसंद किया एंड आई होप गाने को उससे भी ज़्यादा पसंद करें। शूटिंग का किस तरह का एक्सपीरियंस रहा था? लोकेशन के बारे में जानना चाहूँगा। अच्छा, लोकेशन के बारे हमने, ठीक है, तो हम काफ़ी स्मार्ट प्ले किया, तीन लोकेशंस चाहिए थी और एक ही जगह पर तीनों लोकेशन का इंतज़ाम किया था और शूटिंग काफ़ी अच्छी रही। हमने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया बिल्कुल भी, एक दिन पहले हमने नरेशन लिया कि हाँ ऐसे 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 होगा और हमने फिर नेक्स्ट डे शूट किया। आई थिंक गाने में वेरिएशन है बिकॉज बीच में दिखाया जा रहा है कि कॉलेज टाइम का भी दिखा रहे हैं, उसके बाद शादी हो गई, उसके बाद फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी भी दिखा रहे हैं, तो आई थिंक काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। पैकेज मिला हुआ, पूरा पैकेज है, यस 5 मिनट में पूरी मूवी देख लीजिए। जन्नत, इसके अलावा बिग बॉस फॉलो कर रही है? मैं बिग बॉस नहीं फॉलो कर रही, मुझे बहुत पसंद था बिग बॉस बट फ्रेंकली इस बार का बिग बॉस मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या देखूँ। मतलब वैसे लगाती भी हूँ तो होता है 10 मिनट के बाद एक डैडी प्लीज बंद कर दो। तो बीप हो जाता होगा ना। देखिए मैं क्या कह सकती हूँ इसके लिए, मैं नहीं देखती इस वजह से, मैं नहीं देखती और इससे पहले जितने सीजन्स आए मुझे काफ़ी पसंद थे एंड आई यूज़ टू मेक श्योर जब 10:30 बजे रात को आता था 11:30 तक तो मैं जाग के देखती थी, क्योंकि मुझे मज़ा आता था, इंटरेस्ट आता था देखने में। और इस बार का सीज़न पता नहीं क्या हुआ, एक भी एपिसोड पूरा मैंने देखा नहीं, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा। अब प्लीज़ इससे रिलेटेड अब मुझे मत पूछना, मुझे सब कंटेस्टेंट के नाम भी नहीं पता है। चलो रोल गाइस, इस साइड आ जाओ, प्लीज गो एंड वॉच इट। ओके चलो रोलिंग सुनाबे। हां रोल, क्या कहना चाहेंगे? गाना गाए आपने, इस तरह का एक्सपीरियंस हो? हां चलो मैं सॉन्ग के पहले चलो भाई, सॉन्ग के बारे में सर, हाफ बाय हाफ क्राउड हाफ फ्रेम, सॉन्ग के बारे में बताइए कैसा था एक्सपीरियंस? काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और काफ़ी अच्छा लिरिक्स लिखा है ना लाडो स्वालका ने, जिन्होंने हाफ गर्ल फिल्म मूवी में भी लिखा है गाना और काफ़ी हार्ट टचिंग है और काफ़ी अच्छा कंपोजिशन भी है और उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा यह सॉन्ग और बहुत ही बढ़िया है और बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये मतलब गाना इतना, मतलब जब हम लोग सेट पे थे ये है वो, मतलब उस टाइम इतना काफ़ी सारा सब लोग का रिस्पांस मिल रहा था और गाना इतना हार्ट टचिंग है, हम उम्मीद करते हैं लोगों से इतना सारा प्यार जब तक अभी तक मिला है वही प्यार हम आगे भी उम्मीद रखते हैं लोगों से मिले। जब गाना करते हैं एक अलग तरह की स्टोरी नज़र आ रही है इसमें, लड़की के बाद में क्या माइंड में क्या? ही इज़ ऑनर प्रोड्यूसर है। यस बोलिए। माइंड में कुछ नहीं था एग्जैक्ट, मतलब कुछ धुने बना रहे थे हम, कुछ ट्यूनिंग कर रहे थे उस टाइम, एग्जैक्ट यू नो ये ट्यून आया दिमाग में, धुन आया, देन उसके बाद उसके ऊपर हमने काम चालू किया, काफ़ी टाइम लगा यू नो 1 मंथ लगा, देन उसके बाद करते करते धीरे धीरे उस पर लिरिक्स आए, वर्ड्स आए, फिर उसको हमने रिकॉर्ड करना चालू किया, रिकॉर्ड करने के बाद इतना सारा यू नो
आगे आया, फिर उसके बाद यू नो वीडियो वीडियो बनाए, फिर उसके बाद अभी यहाँ तक आया। काफ़ी अच्छा मतलब यू नो एक्सपीरियंस रहा है, और काफ़ी मतलब यू नो मुझे, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गाना काफ़ी लोगों को पसंद आएगा और काफ़ी अच्छा होगा और बहुत ही हिट होने वाला है। बस मैं यही यू नो गुजारिश करूँगा कि लोग बहुत सारा प्यार दें इस गाने को, बहुत सारा लाइक्स कमेंट्स यू नो मतलब इस गाने को इतना प्यार दें कि काफ़ी मतलब हमें प्यार मिले लोगों से। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, थैंक यू। तो मैं फाइनली आपके जो सॉन्ग कैसा रहा एक्सपीरियंस, इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हाँ जी, तो थैंक यू सो मच पहले तो, क्योंकि हमारे पोस्टर को और हमारे ट्रेलर को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला और इतना पसंद किया गया, तो एक्साइटेड तो पहले से ही थी और नर्वस भी थी। आज थोड़ी ज़्यादा नर्वस हो गई, क्योंकि जब ऑब्वियसली आज गाना आउट हो रहा है तो मैं बहुत नर्वस हो गई, बट मुझे यकीन है कि आप लोगों को पसंद आएगा और हमने जितनी मेहनत करी है तो वो मेहनत भी हमारी कामयाब हो जाएगी। एंड आई होप कि आपको गाना जेन्युइनली पसंद आए, तो प्लीज़ गाने को देखिए यूट्यूब पर जाकर, कैसे मैं देखिए, और इनका पहला गाना है और बहुत खूबसूरती से इन्होंने गाया है, तो मैं चाहूँगी कि ये बड़ा सा हिट हो जाए, काफ़ी सक्सेसफुल हो जाए। मेरी पहली एल्बम है, इनका पहला गाना है। सो या सर, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस गाने का? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, और मैं यही उम्मीद करता हूँ पब्लिक से कि बहुत सारा प्यार दे हमें, मेरा पहला सॉन्ग है, इतना प्यार दे कि हम इससे अच्छा अगला सॉन्ग करें और लोगों को और ज़्यादा मतलब इम्प्रेस करने की कोशिश करें, बस मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी स्मार्टली लोकेशन चूज़ की थी, ये जो भी लोकेशंस हमें अलग अलग चाहिए थी वो सब एक ही जगह पर थी, क्योंकि फिर शिफ्टिंग के टाइम बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है और फिर यू नो ब्रेक हो जाता है, आप शूट कर रहे हो फिर ब्रेक आ गया 2 घंटे का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, हमने पूरे टाइम को यूटिलाइज़ किया, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ, सब कुछ सॉर्टेड था, सब कुछ वेल प्लान्ड था, तो बिल्कुल हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, बिल्कुल थकान नहीं हुई और सब कुछ अच्छी तरह से इन टाइम कंप्लीट हो गया। जैसे प्रोजेक्ट आपके पास आया, आपको पता चला कि ऐसा सॉन्ग करना है, क्योंकि एक स्टोरी ओरिएंटेड मतलब पूरा गाने में एक स्टोरी नजर आ रहा है, तो कैसा था आपको पहले? सी, यही सबसे बड़ी बात तो यही लगी कि भाई जितने भी एल्बम्स होते हैं या तो उनमें सिर्फ डांस होता है या तो एक छोटी सी स्टोरी कुछ हो जाती है, तो यू नो सिर्फ बताने के लिए कि हाँ इसमें स्टोरी थी, बट जब ये गाना सुना तो गाना इतना अमेजिंग, फिर स्टोरी अलग लेवल अमेजिंग, तो मतलब था कि यार ये तो 2-in-1 हो गया ना, कि स्टोरी भी इतनी अच्छी और गाना भी इतना अच्छा, सो वो अपने आप ऑटोमेटिकली ऐसे अट्रैक्ट हो गई। तो मैम आप तो सीरियल्स में भी आप बड़े पर्दे पे कभी देखे कोई ऐसे थॉट्स कभी भी ऐसे नहीं रहे कि मुझे बड़े पर्दे पर ही आना है या फिर ऐसा कुछ भी। मेरे थॉट्स हमेशा से ये रहे कि मुझे जो भी करना है मुझे अच्छा काम करना है, भले ही वो 5 मिनट की एल्बम क्यों ना हो, तो मेरे थॉट्स हमेशा से लोग प्रोत्साहित हों, उससे इंस्पायर हों और मैं लोगों से कनेक्ट कर सकूं और लोग मुझे उसमें प्यार दें जो वो हमेशा मुझे देते हैं। सो आई थिंक दैट्स ऑल आई वांट एंड दैट्स व्हाट दे गिविंग मी बैक, सो आई थिंक मैं बहुत खुश हूं इसके लिए, एंड इफ एनीथिंग ऑफ दैट्स व्हाट हैपेंस विल गेट टू नो ऑब्वियसली, आप लोग तो हर जगह मतलब उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जब मैंने पहली बार एडिटिंग के बाद देखा था गाना तो मैं मतलब ऐसे बैठी थी और मेरा मन कर रहा था कि मेरी आग भी ना झपके तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको गाना बहुत पसंद आए और आप गाने को बहुत ज़्यादा प्यार दें। जी, तो आई थिंक बाई नेक्स्ट मंथ यू गाइज विल गेट टू नो अबाउट इट। मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए, जेन्युइनली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जैसे ही मैंने देखा उन्होंने जब अनाउंसमेंट की तो मैं बहुत खुश हो गई। आई थिंक वो दोनों ऐसे कपिल हैं जो मुझे हमेशा से बहुत पसंद आए, रामलीला से मतलब यू नो इज लाइक वाओ सो नाइस, तो मैं बहुत खुश थी एंड आई होप कि उनकी शादी बहुत अच्छी रहे, वो हमेशा साथ में रहें और हमेशा खुश रहें। थैंक्स।
Hi guys, this is Jannat Zubair Rehmani and you're watching me on Viral Bollywood. राकेश आपका ऊपर है सर, क्या कहना चाहेंगे, कैसे मैं क्या कहना चाहेंगे? आपने गाना देखा अभी तक? सर ट्रेलर देखा? नहीं देखा, ट्रेलर देखा। तो यार मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा गाना है, एक बहुत अच्छी थीम है कि वो लोग मरने के बाद भी साथ में, तो एक कपल को लेके और कुछ लोग अपने आप को रिलेट भी कर पाएंगे इस गाने से। तो इट्स अ नाइस फीलिंग कि एक ऐसा एक गाना है, इतना पॉजिटिव वे में शूट हुआ और गाने के लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, आवाज़ बहुत अच्छी है हमारे सिंगर की। और कैसी केमिस्ट्री? बहुत अच्छी लग रही है केमिस्ट्री। हाँ, जन्नत जुबैर के साथ काम किया, अच्छा लगा, अच्छी लड़की है, अच्छी बच्ची है टाइम पर आती है और अच्छा काम करती है, सो इट्स नाइस फीलिंग। और इसके अलावा मतलब ऑन सेट किस तरह का माहौल रहता था और क्या कहेंगे? यार एक तो हमने बहुत कम टाइम में इसको शूट किया है, मैं पर्सनली ऐसा कोई प्लान नहीं था कभी भी कि मैं ऐसे एल्बम करूँगा, बट हाँ गाना सुनने के बाद वो डिसाइड हुआ। और सेट पे हमारा एक दिन का ही शूट था जिसमें हमने कम टाइम में इतना कुछ पूरा एल्बम, एक पूरा सॉन्ग निकाल दिया, तो इट्स नाइस फीलिंग। बाकी मैं आपको कलाम से मिला था, जो हमारे सिंगर हैं। कलाम आइए, क्या कहना चाहेंगे आप, कैसा लगा आपको हमारे साथ काम करके? बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही स्वीट है। अरे मेरे मुंह पर डाल दो इसे। टैलेंटेड है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब ये देते हैं, फील देते हैं गाने में, इन्होंने हमारे गाने में जो फील दिया है मैं उस फील से बहुत खुश हूँ और मुझे उम्मीद है कि पब्लिक भी बहुत खुश होगी, उनको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ फर्स्ट एल्बम, मैं कभी प्लान ही नहीं था, मैं बहुत बेसिकली मैं जो भी काम, अरे साइलेंस हो जाओ भाई वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। तो क्या है कि ये कभी प्लान नहीं था ऐसा कभी कि मैं ऐसे सॉन्ग करूंगा, और बट ये आवाज़ इतनी अच्छी थी, गाने के लिरिक्स इतने अच्छे थे, तो मैं मजबूर हो गया इस गाने को करने के लिए। okay, और जैसे आपने कहा कि लिरिक्स बहुत अच्छे थे, और नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? नेक्स्ट मैं थोड़ी ना एस्ट्रोलॉजर, मुझे क्या पता, बाकी आगे फ्यूचर में कुछ ना कुछ आता रहेगा। अभी तक हमारी इस गाने को लेके जो हमारी प्लानिंग है वो यही है कि अगर ये हिट हुआ तो दूसरा आएगा, और अभी तक जो रिस्पांस है हमारी ऑडियंस का, जितने भी मेरे फैंस हैं, जुबैर के फैन, जन्नत के फैंस हैं, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है इस गाने को। ऑलरेडी इसका टीजर हिट हो गया, तो आई थिंक गाना भी हिट है, तो ऐसी अब एल्बम बढ़ती हुई बढ़ती है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस यस, बजट तो नहीं बढ़ गया? नहीं बहुत है, तो हमारे अभी तक प्लानिंग है कि ऐसे ही बढ़ते जाएंगे ऐसी माशाल्लाह। लास्ट के गाने की दो लाइनें हो जाए, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। यस श्योर। हां आप भी गाओ। कहां से शुरू करें हम? कैसे मैं आप, इन्होंने डाला था काफी, यू नो काफी कमेडियन करके डाला था आपने, हंसा भी था उसमें, आप भी गाओ साथ में। मैं तो शुरू करते यार। कैसे मैं भूलूं रातें वो, कैसे मैं भूलूं बातें वो, जब लबों को लबों से जोड़ा, चादर सा तुझको था ओढ़ा, जब सारी हदों को था तोड़ा। वाह। कैसे मैं भूलूं रातें वो, कैसे मैं भूलूं बातें वो। थैंक यू। यहाँ मैं बहका हूँ पता है, इसलिए मैंने किया ये, और अभी भी सुन रहा हूँ ना ये गाने तो मेरे घूस बम्स आ गए। तो इस गाने में यही मैजिक है जिस वजह से मैं फंस गया। आपने गाने की गुस्ताखी की थी मैं गुस्ताखी भाई, मेरे को एक ही काम आता है लाइफ में, गाया था एक्टिंग।
अच्छा दो लाइन अगर आपकी आवाज में हो क्या चाहते हो हैं चाहते हो क्या सच में गाना रोमांटिक तो नहीं था इस गाने में हर पॉइंट पे एक गूज़बम्प्स से हर पॉइंट पे एक फीलिंग थी और मैं इस गाने में बहुत रोया हूँ हद से ज़्यादा रोया हूँ और जितना भी मैं उसमें रोया हूँ वो रियल में रोया वो ग्लिसरीन वाले आंसू नहीं है वो डेली सोप वाले वो मेरे ओरिजिनल आंसू हैं तो ये फीलिंग है गाना यार अब मैं डर रहा हूँ अभी इतनी सारी मीडिया देख के मैंने सच में बहुत ज़्यादा रोया गाने में यू नो इतना ज़्यादा रोया कि मत पूछिए मैं भी खुद साथ में था ये खुश थे मेरे रोने से ये खुश थे बट फिर भी मैं एक लाइन गा देता हूँ हाँ डर लग रहा है यार ये तो मैं गाता हूँ बहुत अच्छा कैसे मैं भूलू बातें वो बिल्कुल वेरी नाइस कैसे मैं भूलू राते वो देखो इतना ही आता है मैं हूँ बाथरूम सिंगर और ये है हमारे प्लेबैक सिंगर तो जिसका काम उसी को साझे थैंक यू सो मच आप सबका थैंक यू सो मच हमारे सॉन्ग का ऐसे हिट करवाइए और अच्छा अच्छा जाके खाना खाइए प्लीज थैंक यू विजुअल ले रहे थे क्या ओके थैंक यू पुष्टे 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 मालूम।